भारत में CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट या इसको CABCAP सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के हवाले से प्रोटेस्ट बज़ाहिर बढ़ते चले जा रहे हैं और ये इसलिए भी महसूस हो रहे हैं कि अरसा दराज से यानी जब से ख़ास तौर पर मोदी साहब की दोनों सरकारें बनी 6 साल से अब तक इस तरह के प्रोटेस्ट देखने में नहीं आए थे। तो क्या ये प्रोटेस्ट जो हैं भारत में इस वक्त की जो सरकार है उसके लिए कोई थ्रेट है? अभी तक अगर देखा जाए तो थ्रेट नहीं है, भारत की डेमोक्रेसी का हिस्सा है। अगर हम मोदी सरकारों से पहले के भारत को देखें तो हमेशा से प्रोटेस्ट होते चले आए और इसी वजह से भारत की डेमोक्रेसी दुनिया की बड़ी डेमोक्रेसी समझी जाती है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी देखने वाली बात होती है कि प्रोटेस्ट जब होते हैं तो उन प्रोटेस्ट में वायलेंस का एलिमेंट कितना है और उन प्रोटेस्ट के पीछे हाथ किन लोगों का है। इस प्रोटेस्ट में बल्कि ये जो अब तक सीरीज ऑफ प्रोटेस्ट हैं इनके अगर पीछे हाथ देखा जाए तो अब ये बात वाज़े हो गई कि वही मुस्लिम हिंदू का कम्युनल कार्ड अपोजिशन की पार्टियां खेल रही हैं और ये पार्टियां अब सेंट्रल लेवल से होती हुई रीजनल लेवल तक पहुंच गई हैं। इसीलिए आपको भारत की तमाम स्टेट्स में कमोबेश ये प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं और इन प्रोटेस्ट पे जो स्टेक होल्डर होते हैं या जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, चाहे वो मीडिया के लोग हों, चाहे वो अपोजिशन पार्टीज़ के लोग हों और चाहे उन प्रोटेस्ट के पीछे एक ख़ास तरह के वेस्टेड इंटरेस्ट लेने वाले लोग जो उसके पीछे इन्वेस्टमेंट भी कर रहे होते हैं, पैसा भी फेंक रहे होते हैं और पूरी की पूरी प्लानिंग और साजिशें भी कर रहे होते हैं, वो लोग होते हैं। और इसके बावजूद हम ये समझते हैं कि इन प्रोटेस्ट पर काबू पा लिया जाएगा क्योंकि वायलेंस की कोई गुंजाइश नहीं। वायलेंस के हवाले से तो खुद अवैसी साहब ने भी कह दिया कि वायलेंस की इसमें गुंजाइश और इजाज़त नहीं होनी चाहिए। ये अलग बात है कि अवैसी साहब भी उन्हीं अपोजिशन लीडरों में हैं जो प्रोवोक करते हैं इनडायरेक्ट चीज़ों को, लेकिन जो आम जनता है जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं होते वो इन मामलात को बिल्कुल रैशनल तरीके से देखते हैं। उनकी समझ से बात बाहर होती है कि आफ्टर आर आनन फानन ये आग कैसे भड़की। इसी सिलसिले में एक वीडियो क्लिप आपके साथ शेयर करते हैं। इस वीडियो क्लिप में एक आम भारतीय मुस्लिम खातून क्या कहती हैं, आइए देखते और सुनते हैं। ये नागरिकता कानून का विरोध है ही नहीं, ये इनको ये फ्रस्ट्रेशन है कि 370 एब्रोगेशन हो गया, इनको ये फ्रस्ट्रेशन है कि राम मंदिर के फेवर में जजमेंट आ गया, इनको ये फ्रस्ट्रेशन है कि ट्रिपल तलाक के खिलाफ ये लोग कानून ले आए। कोई नागरिकता कानून का विरोध नहीं है, कोई भी पढ़ा लिखा इंसान अगर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट उठा के पढ़ ले, मैंने आपको क्या बताया कि सिर्फ उनको बेचारों को 5 साल का रिलीफ दिया गया है और उनको कोई स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं दिए गए हैं। हमारे संविधान में उनको माइनॉरिटी का दर्जा दिया गया ना, उनके भी राइट्स प्रोटेक्ट किए गए ना, तो वही राइट्स जब आपको मिलते हैं तो वो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल लगते हैं और वही राइट्स अगर दूसरे प्रोसिक्यूटेड लोगों को मिलते हैं तो वो आपको अनकॉन्स्टिट्यूशनल लगते हैं। अगर ये नागरिकता कानून का विरोध है, बस अल्लाह का नाम रहेगा इस तरह की वो नात पढ़ रहे हैं, गाना गा रहे हैं, तेरा मेरा एक ही रिश्ता ला इलाहा इल्लल्लाह, ये क्या है? आप मुझे बताइए नागरिकता में अल्लाह कहाँ से आ गया, नागरिकता में रसूल कहाँ से आ गए, नागरिकता में इस्लाम कहाँ से आ गया? यूनाइटेड नेशन की माइनॉरिटी की डेफिनेशन पढ़िए जाके, नंबर्स के हिसाब से आप माइनॉरिटी कहलाने के लिए क्वालिफाई भी नहीं करते। आप माइनॉरिटी स्टेटस धर्म के आधार पर इस्तेमाल कर रहे हैं इतना ज्यादा। मैं कहती हूँ कि इस देश में क्या हम लोगों ने अनपढ़ों की फौज तैयार करी है। यहीं पे मैं बोलती हूँ कि वो जो अंग्रेज लॉर्ड मैकॉले आए थे हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम खराब कर गए थे। क्या हम लोगों ने ये यूथ, ये पढ़े लिखे हैं, ये यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, छात्र कहलाने लायक भी नहीं है। प्लीज आई एम सॉरी, आई एम अशेम्ड। अगर आप क्रिमिनल एक्ट करेंगे और आप एक क्रिमिनल की कैटेगरी में आएंगे तो माफ कीजिएगा, पुलिस हॉस्टल में भी घुस के मारेगी, मेस में भी घुस के मारेगी, लाइब्रेरी में भी घुस के मारेगी, जहां छुप के बैठे होंगे वहां घुस के मारेगी। हमने ये वीडियो क्लिप पब्लिक व्यूज इंडिया की कर्टेसी के साथ आपके साथ शेयर किया। इसमें जो भारत की लॉयर हैं मिस सबूही खान, वो जितना कुछ कह गई हैं 2 मिनट में वही सारा क्रक्स है सारे मैटर का। उन्होंने सारी बातें कर दी। उन्होंने कहा कि नागरिकता के इस मामले में या शहरियतपन के इस मामले में
اللہ کہاں سے آ گیا, رسول کہاں سے آ گئے, اسلام کہاں سے آ گیا. پھر انہوں نے کہا کہ ایک ان پڑھوں کی فوج تیار ہو چکی ہے. انفارچونیٹلی یہ صرف بھارت کا معاملہ نہیں ہے, دنیا بھر کی یونیورسٹیوں میں اب جس طرح کا ایک ایکسٹریم لیفٹ کا ایک درس دیا جاتا ہے اور ایک جذباتیت اور ایک ایسا ماحول بن گیا پوری دنیا میں, ایون ویسٹرن ورلڈ میں بھی, کہ ایک ہالو اینڈ شیلو نیس جو ہے وہ اوورویلمنگلی حاوی ہوتی جا رہی ہے ہر چیز کے معاملے میں. اور سبوکی خان جو لائر ہیں انہوں نے کھل کے یہ باتیں کی اور ان کی باتوں میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے. اور وہ کہتی ہیں کہ یہ مسلم ہندو کمیونل کارڈ کیوں کھیلا جا رہا ہے. آئیے بھارت کی اپوزیشن کانگریس پارٹی کی پریانکا گاندھی اور مس سونیا گاندھی کیا کہتی ہیں. صاف پتہ چلتا ہے کہ اپوزیشن اس کو کس طرح سٹیئر کر رہی ہے معاملے کو. دیکھتے اور سنتے ہیں ان کی بات چیت. یہ جو قانون ہے سی اے اور این آر سی کا, یہ بیسکلی غریبوں کے خلاف ہے, کیونکہ سب سے افیکٹڈ غریب طبقہ ہوگا. دا سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ از ڈسکریمنیٹری اینڈ دا پروپوزڈ نیشن وائڈ این آر سی ول پرٹیکولرلی ہرٹ دا پوئر اینڈ والنربل. فیلو سٹیزنز, دا انڈین نیشنل کانگریس ایکسپریسز اٹس ڈیپ اینگوش اینڈ کنسرن over the brute repression unleashed by the BJP government against the students, youth and citizens across the country. There have been spontaneous protests in the universities, IITs, IIMs and other leading academic institutions throughout the country against the divisive agenda and anti-people policies of the BJP government. In a democracy, people have a right to raise their voice against wrong decisions and policies of the government and register their concerns. Equally, it is the duty of the government to listen to the citizens and address their concerns. The BJP government has shown utter disregard for people's voices and chosen to use brute force to suppress dissent. This is unacceptable in a democracy. The Congress Party condemns the actions of the BJP government and expresses its solidarity with the students and citizens of India in their just struggle. تو آپ نے ویورز بہت عرصے بعد مس سونیا گاندھی کو اس طرح قوم سے خطاب کرتے ہوئے دیکھا ہوگا. بہت دنوں بعد ایسا آپ نے دیکھا ہے کہ وہ کہتی ہے کہ مائی فیلو سٹیزنز. آف کورس ان کا یہ رائٹ ہے یہ بات کرنا, مگر ان کا جو سٹائل ہے وہ یہ شاید ہوپ دیکھتی ہیں کہ سٹوڈنٹس کی یہ جو ایک ویو چلی ہے شاید یہ ایک بہت بڑی موومنٹ پکڑے اور شاید مودی سرکار ڈی سٹیبلائز ہو. وہ ان کا ایز اپوزیشن میں رہتے ہوئے ان کا حق ہے, مگر وہ جو پرووکنگ ایلیمنٹس اپوزیشن برت رہی ہے اور اس سے جو مسلم ہندو کمیونل کارڈ کھیلا جا رہا ہے وہ ایک پازیٹیو اسپیکٹ نہیں ہے. لیکن اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا جس طرح بھارت کی اپوزیشن کی پارٹیاں, چاہے وہ کانگریس پارٹی ہو یا ممتا بینرجی ہوں یا سماجوادی پارٹی یا اکراس دا بورڈ پھیلی ہوئی جو بھی بی جے پی سرکار سے اتفاق نہ کرنے والی پارٹیاں ہیں, کیا وہ اس سنہری موقع کو, کوٹ ان کوٹ گولڈن اپرچونٹی کوٹ ان کوٹ کو, کیا وہ سمجھتی ہیں کہ وہ کیپیٹلائز کر سکیں گے اور وہی ہندو مسلم کمیونل کارڈ کو کھیل کے بھارت میں سیاست کا پانسا پلٹ سکیں گے. یہ وہ سوال ہے جس کا جواب تو ہمیں آنے والے دنوں میں ملے گا. مگر یہ بات کھل کر طے ہو گئی کہ سب کو اس ای اے اے کے خلاف جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں, اس ان پروٹیسٹ
के रास्ते से एक उम्मीद की किरण नज़र आती है कि शायद मोदी सरकार को हम शेक कर सकें। और ये ऐसा ही होता है दुनिया में, ख़ासतौर पर स्टूडेंट प्रोटेस्ट जो होते हैं बड़े इम्पॉर्टेंट होते हैं। हिस्ट्री में हम उठा के देखें साल हर साल से, बल्कि मैं ये कहूँगा कि जो हमारी जदीद हिस्ट्री है उसमें 150-200 साल से स्टूडेंट प्रोटेस्ट जब आहिस्ता आहिस्ता फैलते चले जाते हैं तो रेवोल्यूशन भी आते हैं, मगर रेवोल्यूशंस की ज़रूरत उन माशरों में होती थी जहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं होती थी। भारत में डेमोक्रेसी है, भारत में किस तरह का रेवोल्यूशन चाहिए, वो एक ख़ास तरह का माइंडसेट डेवलप हो जो मैच्योर माइंडसेट प्रोटेस्टर्स का और अपोजिशंस का वहाँ पर बनना ज़रूरी है, ताकि भारत जो एक अजीम सिविलाइजेशन है वो इस तरह के जो सुपरफिशियल प्रोटेस्ट हैं उनमें अपना वक्त ज़ाया ना करे, अपनी एनर्जी ज़ाया ना करे। क्योंकि कम्युनल प्रोटेस्ट जबकि अनजस्टिफाई होते हैं वो खामखा एनर्जीज कौमों की ज़ाया करते हैं। अब ये मुस्लिम हिंदू कार्ड की तरफ मैं थोड़ा आना चाहूँगा, जिसको कुछ एक्टर्स भी आगे लेकर चल रहे हैं, मगर उनकी बात करने से पहले देखने वाली बात यह है, मैंने पहले भी अपने शोज़ में डिस्कस किया कि CAA किस तरह मुस्लिम्स को डिस्क्रिमिनेट करता है, ये क्यों ऐसा सोचा जा रहा है। और जो नाम निहाद पढ़े लिखे लोग भी हैं, जो सो कॉल्ड स्यूडो इंटेलेक्चुअल्स भी हैं, और उनमें सो कॉल्ड के अलावा जो रीज़नेबल भी इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो भी इस बात को समझ नहीं पा रहे कि ये मुस्लिम हिंदू मसला कैसे हो गया। चूँकि इस अमेंडमेंट एक्ट में तो ये कहा गया कि जो प्रोसिक्यूटेड हिंदू सिख जैन बौद्ध पारसी रहते हैं, खासतौर पर भारत के बाहर पाकिस्तान अफगानिस्तान और बांग्लादेश में, उनको सिटीजनशिप मिल सकती है। उसमें अब प्रॉब्लम ये आया कि मुस्लिम्स का नाम क्यों नहीं आया। अब बार बार हम भी कह रहे हैं, एक्सप्लेनेशन और भी लोग दे रहे हैं कि भाई मुस्लिम्स प्रोसिक्यूटेड मुसलमान मुल्कों में कैसे हो सकते हैं, वो तो वैसे उनके ऊपर कोई क्रिमिनल गवर्नमेंट के एक तरह से क्राइम गवर्नमेंट्स के उन स्टेट्स के क्राइम्स होते हैं जो अपनी नासमझी की वजह से होती है, मगर पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है, मुसलमानों के लिए बना, टू नेशन थ्योरी पर बना, मुसलमान वहाँ पर हैं, और वहाँ पर अगर मुसलमानों के साथ कोई प्रॉब्लम होता है जैसे शिया के साथ अहमदी के साथ, वो अब उन प्रॉब्लम्स की वजह से पूरी दुनिया में रेफ्यूजी क्लेम करते हैं, भारत में भी कर ले। ये अलग बात है कि मैं बार बार कहता हूँ कि पाकिस्तान के अहमदी और शिया की अक्सरियत भी पाकिस्तान की टू नेशन थ्योरी के साथ खड़ी रहती है, वो एक अलग मसला है, वो एक अलग हिपोक्रेसी है, खैर उसको हम टच नहीं करते। मगर फिर भी उनको भारत भी सिटीजनशिप दे सकता है और बाकी दुनिया के मुल्क भी सिटीजनशिप दे सकते हैं। तो इसमें क्यों ऐसा कहा जा रहा है, क्या मुसलमानों का नाम उसमें शामिल करने के जी जो प्रोसिक्यूटेड मुसलमान हैं वो भी भारत आ जाएं? तो ये एक अजीब सा लॉजिक है, अजीब सा लॉजिक है कि आप जो प्रोसिक्यूटेड क्रिश्चियंस हिंदू सिख रहते हैं उनको अडॉप्ट करने की बात करते हैं, तो उसके साथ साथ आप रिटेलिएट करते हैं। भारत के बड़े बड़े जर्नलिस्ट भी इस पर लिख रहे हैं कि हमें ये लगता है कि जैसे मोदी साहब ने टू नेशन थ्योरी को अब ले लागू कर दिया। मोदी साहब कैसे टू नेशन थ्योरी को लागू कर रहे हैं, वो कोई हिंदू और मुस्लिम की बात तो नहीं कर रहे, उसमें सिख भी शामिल हैं, उसमें पारसी भी शामिल हैं, उसमें क्रिश्चियंस भी शामिल हैं, तो ये टू नेशन कैसे हो गई? वो तो जो प्रोसिक्यूटेड पिस रहे हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान और भारत में, जो हिंदू सिख क्रिश्चियंस और अदर माइनॉरिटीज पिस रही हैं उनके लिए एक एवेन्यू है, उनके लिए एक रास्ता है। आप क्यों ये रास्ता बंद करना चाहते हैं? ये भारत की अपोजिशन से भी मैं पूछता हूँ, भारत के इंटेलिजेंसिया से भी पूछता हूँ, बड़े बड़े राइटर से भी मैं पूछता हूँ, सो कॉल्ड ह्यूमन राइट्स के एक्टिविस्ट से भी पूछता हूँ, आफ्टर ऑल क्या प्रॉब्लम है आपको? इसके लिए मुझे एक शेर याद आता है कि तेरे लहजे में जो रद्दो बदल लगता है इसके पीछे कोई सरगर्मे अमल लगता है। और इसी शेर के कॉन्टेक्स्ट में अब हम देखते हैं एक वीडियो जो NDTV पे चला, उन्हीं की कर्टिसी के साथ उसका छोटा सा क्लिप दिखाते हैं, जिसमें वेल नोन सेलिब्रिटी फरहान अख्तर कहते हैं कि उनको बहुत क्लियर नहीं है कि ये क्या है, लेकिन वो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखिए ये वीडियो क्लिप। इस वीडियो क्लिप से पहले हम आपको दिखाना चाहते हैं
वो जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं भारत में, पहले वो बल्कि देखिए, फिर मैं फरहान अख्तर का आपको वीडियो क्लिप दिखाऊंगा। आपने प्रोटेस्ट की कुछ झलकियाँ देखी, इसमें आपने देखा होगा लोगों ने प्ले कार्ड पकड़े हुए हैं जिसमें लिखा हुआ है कि ये आज का ज़माना गोधरा का 2002 का नहीं बल्कि आज का दिल्ली है 2019-20 का। तो इस तरह के जो प्ले कार्ड्स हैं बग़ैर किसी कॉन्टेक्स्ट के, जैसे ये भी बीजेपी पर डालना चाहते हैं, भाई जब वो गोधरा का वाक़या हुआ था हमारे टीवी पर कई बार कहा गया, वो उसकी नौयत बिल्कुल और थी। वो प्रोटेस्ट किए गए जो एक यात्रियों की ट्रेन आ रही थी जिसमें हिंदू बच्चे बच्चियां फैमिलीज थे, उनकी बोगियों को जलाया गया, उस पर एक रिटेलिएशन बना, राइट्स हुई, और वो कोई उसमें भी कई फिगर इन्होंने, ये जो एक्सट्रीम लेफ्ट के और मुस्लिम कम्युनल कार्ड खेलने वाले हैं, उन्होंने मोदी जी पर ये डाला सारे का सारा, और फिगर्स भी एग्जैजरेट की। वो अफसोसनाक बात थी जो कुछ वो हुआ, मगर ऑफ कोर्स चीज़ें हाथ से बाहर निकल जाती हैं। अब ये जो प्रोटेस्टर्स कर रहे हैं, अगर इसके बारे में मेजॉरिटी भारत का जो इन प्रोटेस्टर्स के साथ मुत्तफिक नहीं है, अगर वो रिटेलिएट करते हैं तो क्या होगा? ये एक अफसोसनाक ही फिर खेल है ना। मगर वही वो चीज़ें दोबारा, जिसे कहते हैं कि गड़े मुर्दे उखाड़ के लाना, वही ला रहे हैं गलत कॉन्टेक्स्ट में, गलत पर्सपेक्टिव में ला रहे हैं, और फिर ये एक्सपेक्ट करना कि हर चीज़ इनकी मर्ज़ी के मुताबिक होगी, तो ये वो अफसोसनाक सूरत हाल है। अभी मैंने पीछे कहा कि वो फरहान अख्तर का भी एक छोटा सा क्लिप NDTV पर जो चला, उन्हीं की कर्टसी के साथ हम आपको छोटा सा क्लिप दिखाना चाहते हैं। वो क्या कहते हैं ज़रा वो भी देख लीजिए। And as a citizen of this country, and as somebody who is has been born and is grown up with a certain idea of what India is, it is important for me to raise my voice. What is the point in this bill that you don't like? What is the point in that? Sir, I don't want to discuss details right on screen on top of my voice and talk to you. I'll talk about this in more detail. Amit Shah is saying that those who are in India are not going to be affected. They will do anything. So, protest is what? Protest is what? So, then, sir, then go ahead. You have to cover the protest. No, who are in India are not going to be affected. They will do anything. Yes, but sir, if you see the details, then it seems that it is possible. तो फरहान अख्तर भी कह सकते हैं, अगर डिटेल देखें तो ऐसा लगता है कि हो सकता है कुछ कुछ नहीं पता उन्हें कि क्या हो सकता है क्या नहीं होता, क्या ये एक्ट कहता है, क्या ये बिल कहता है, मगर सब अपनी अपनी जो है वो जैसे राजनीति कर रहे हैं। मगर सवाल ये है कि ये तो नेता भी नहीं है, ये तो पॉलिटिशियंस भी नहीं है, आफ्टर ऑल ये ऐसा क्यों करते हैं? क्या इनका इमोशनलिज्म इस लेवल का है कि इतने ज़्यादा ये जज्बात में बह जाते हैं, इतने ज़्यादा अपने आप को ये अक्ल से दूर ले जाते हैं कि वो उसको पढ़ते भी नहीं, उस एक्ट को, उस बिल को? वो कहते हैं हो सकता है, पर कैसे हो सकता है? आप पढ़ें तो सही, पढ़ने के बाद बात करें और पढ़ने के बाद अपना प्रोटेस्ट स्टेज करें, मगर ये जो इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है, ये तो बहुत जो सुपरफिशियल एक्टर्स होते हैं जिनकी एक्टिंग के तो हम मद्दा होते हैं, मगर ये अपनी हदों को क्रॉस करते हैं और फिर ये आगे बढ़ते हैं। अब मुझे हैरत हुई जब मैंने आज जो शबाना आज़मी ने अपना एक सोशल मीडिया पर छोटा सा वीडियो क्लिप एक तरह से रिलीज़ किया,
اور یہ بتانے کی کوشش کی کہ وہ کتنی بڑی انٹلیکچوئل ہیں، حالانکہ ہم ان کی ہمیشہ سے قدر کرتے رہے کہ وہ بہت اچھی ایکٹرس ہیں، مگر وہ بھی اپنے فیلڈ سے جیسے بہت ہی زیادہ باہر نکل کے بات کر رہی ہیں، جیسے بہت بڑی ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں. ٹھیک ہے، حق ہے ہر بات کو آگے چلانے کا. تو پہلے ان کا یہ ایک چھوٹا سا ویڈیو کلپ جو انہوں نے ریلیز کیا دیکھ لیجئے، اور پھر ہم اس پہ کچھ تھوڑا سا تبصرہ کرتے ہیں. خون سے سینچی ہے میں نے جو مرمر کی، وہ زمین ایک ستمگر نے کہا اس کی ہے. جاوید اختر، آئی اسٹینڈ اگینسٹ سی اے اے. تو انہوں نے اپنے شوہر جاوید اختر کا ایک شعر پڑھا، وہ جس کا مصرعہ آخری یہ ہے، دوسرا مصرعہ وہ زمین ایک ستمگر نے کہا اس کی ہے. کس ستمگر نے شبانہ اعظمی صاحبہ کہا کہ یہ زمین اس کی ہے اور آپ کی نہیں؟ کیوں آپ نے یہ ایزیوم کر لیا کہ یہ آپ کی زمین نہیں ہے؟ کیا سی اے اے میں، یعنی سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ یا سی اے بی جس کو کہتے ہیں، اس میں کوئی ایسا سٹیٹمنٹ آیا، کوئی ایسا جملہ آیا، یا صرف شعر بازی کرنی ہے آپ نے؟ یہ شعر بازی کا جو شوق ہے، یہ بڑا عمدہ شوق ہے، مگر اس کو جب آپ غلط پرسپیکٹو میں، غلط کانٹیکسٹ میں لائیں گے تو اس سے کیا حاصل ہے؟ کس طرح کی انٹلیکچوئل آنیسٹی ہے؟ میں بالکل احترام کرتا ہوں آپ کے جو لیگسی ہے، جیسے خاص طور پر کیفی اعظمی صاحب جو انہوں نے شاعری کی، لیفٹ کے لوگ ہیں، ہم بھی لیفٹ سے وابستہ رہے، مگر لیفٹ اب کس طرف چلا گیا ہے؟ جو اس وقت بھارت کی سچویشن ہے، اس میں جو سوشل ریفارم کی بات ہے وہ تو شاید مودی جی کرتے ہیں. یہ سی اے اے کا جو پورے کا پورا جو مسودہ ہے، آپ پڑھ لیں، یہ لیفٹ کا مسودہ ہے. یہ جو پسے ہوئے پرسیکیوٹڈ لوگ ہیں ان کو آسرا دینے کا مسودہ ہے، اور آپ اس کی مخالفت کر رہی ہیں، آپ ملاؤں کے ساتھ انڈائریکٹلی بیٹھ رہی ہیں. تو آپ لوگ تو لیفٹ کے نہیں رہے، آپ لوگ تو ایک بہت ہی ایکسٹریمسٹ اسلامسٹ آئیڈیالوجی کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ چکے ہیں. یہ کس طرح کا مینٹل ہورائزن ہے جس میں آپ لوگ رہ رہے ہیں؟ یہ کس طرح کی انٹلیکچوئل آنیسٹی ہے جس میں آپ لوگ رہ رہے ہیں؟ کیوں جو کام آپ نہیں جانتے، وہ جو انٹلیکچوئل ڈسکورس ہے جس کو آپ نہیں جانتے، وہ صرف اپنے سیلیبریٹی اسٹیٹس کی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ اس سیلیبریٹی اسٹیٹس کی وجہ سے ہم شاید کوئی بہت بڑا سین کریٹ کر دیں گے، وہ زمانے گئے. سوشل میڈیا کے اس دور میں اب ہر کوئی ایکسپوز ہو جاتا ہے. اب بھارت میں وہی ریشنل سوچ رکھنے والے جو جرنلسٹ، رائٹرز جو کبھی لیفٹ کے ہوتے تھے، مگر اب وہ گرو کر کے ان میں سے بہت سارے اب یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ آپ لوگ، شبانہ اعظمی صاحبہ، اب لیفٹ کے نہیں رہے، آپ لوگ ایک فیشنی لیفٹسٹ رہ گئے ہیں، جو پرانے اولڈ فیشن جو ہے نا، اولڈ سٹائل کا فیشن، اس میں پھنسے رہ گئے ہیں، اور جو زمینی حقیقتیں ہیں وہ بدل چکی ہیں. بھارت کی جو ہندو کمیونٹی ہمیشہ سے میجورٹی میں ہونے کے باوجود مائنورٹی کے آئیڈیالوجی میں پستی رہی، وہ ہندو کمیونٹی اپنی سویلائزیشن، اپنی ہیریٹیج کو ریکگنائز کرنے کے سلسلے میں جاگ چکی ہے. اس میں اس کو کوئی شرم نہیں رہی، اور اس میں کوئی بری بات ہے بھی نہیں. جو ہندوتوا جس کو آپ لوگ نیگیٹو معنوں میں دیکھتے ہیں، شبانہ اعظمی صاحبہ اور آپ جیسے لوگ، ہندوتوا انفیکٹ کوئی نیگیٹو کانوٹیشن نہیں ہے. وہ بھارت کی سویلائزیشن کو جاننے اور ریکگنائز کرنے کا نام ہے، اور وہ آپ میں بھی ہونی چاہیے تھی صلاحیت، چونکہ آپ اور میں بھی اس ہندوتوا فلسفی سے تعلق رکھتے ہیں، اگر ہم اپنے آپ کے ساتھ آنیسٹ ہوں. مودی صاحب کا 6 سال سے اب تک ہندوتوا یا بھارتی یا ہندو ہیریٹیج پر جو بھی ان کا مکالمہ ہوتا ہے، اس میں کبھی بھی وہ دوسروں کو ایکسکلوڈ نہیں کرتے. یہ الگ بات ہے کہ آپ خود سے اپنے آپ کو ایکسکلوڈ کر لیں اور انکلوسیو نہ رکھیں، یہ پھر آپ کا قصور ہے، اور یہ پھر آپ کی انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی بھی ہے، اور آپ وہ کام جو نہیں سمجھتے وہ کر رہے ہیں. لیکن اگر کاش آپ نے اس آئیڈیالوجی، بھارتی ہیریٹیج کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑا ہوتا، تو آپ کو سمجھ آتی
कि ये जो हिंदू बच्चियों के साथ पाकिस्तान में जुल्म हो रहा है, जिस पर कभी आपने आवाज़ नहीं उठाई है, मेरे सामने कभी रिकॉर्ड में ऐसी चीज़ नहीं है कि पाकिस्तान में हिंदू बच्चियों के ख़िलाफ़ होने वाले जुल्म पे आपने आवाज़ उठाई हो। पाकिस्तान की इस वक्त सैकड़ों बल्कि हज़ारों बच्चियां इस वक्त सेक्स स्लेव के तौर पर, ज़्यादातर क्रिश्चियंस हैं, वो इस वक्त चाइना में काम कर रही हैं, सेक्स स्लेव के तौर पर फंसी हुई हैं, उनको रेस्क्यू चाहिए। और ये जो CAA है ये उनको रेस्क्यू कर सकता है किसी स्टेज पर जाके, मगर आपने कभी उन बच्चियों के ऊपर होने वाले मसालम पर बात नहीं की। आपने कभी शबाना आज़मी साहिबा लेफ़्ट से तल्लक रखने के बावजूद इस्लामिस्टों की के साथ आपने जो अनकॉन्शियस एक अलाइंस बना लिया, कभी चीन में मुसलमान जो इस वक्त कंसंट्रेशन कैंप में रह रहे हैं मिलियन के ऊपर, आपने कभी उनके बारे में आवाज़ नहीं उठाई। ये सब आपका सिलेक्टिव एक नैरेटिव है और ये हमें बताता है कि आप लोग अपने इंटेलेक्चुअल होराइज़न को भी अनफॉर्चुनेटली एक धुंधला चुके हैं। और इसके साथ साथ आप भारत जिसकी ज़मीन के बारे में आपका ख्याल है कि वह अब आपकी नहीं रही, खुद ही तय कर लिया आपने, भारत के मुसलमान दुनिया में बसने वाले मुसलमानों में, दुनिया के 50 से ज़ायद मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनमें बसने वाले मुसलमानों की नस्बत सबसे बेहतर हालत में हैं, सबसे बेहतर हालत में हैं। फ्रीडम जितनी भारत के मुसलमानों को है दुनिया के किसी मुसलमान मुल्क में रहने वाले मुसलमानों को हासिल नहीं, और उसके बावजूद आप जावेद अख्तर का वो शेर पढ़ती हैं जिसमें वो कहते हैं कि वो ज़मीन एक सितमगर ने हमसे छीन ली है, और आप सेलिब्रिटीज़ हैं, आप ये बातें कर सकते हैं क्योंकि आपको मज़ा आता है इस तरह की बातों करने से। और अब एक आम सिटीज़न भारत की मुसलमान खातून क्या कहती हैं, ये तमाम जो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स हैं मुसलमान और सो कॉल्ड जो कह रहे हैं कि ये जो CAA है ये असल में टू नेशन थ्योरी है, उसमें लेफ़्ट के एक्सट्रीम लेफ़्ट के राइटर्स बड़े बड़े नामी गरामी ये लिख रहे हैं, और ये जो शबाना आज़मी जैसे लोग फंस गए हैं हॉलो किस्म के माइंडसेट में, इसका जवाब मैंने क्या देना। वो बेचारी एक आम खातून, एक आम शहरी देती हैं और क्या कहती हैं, शायद मेरा तबसरा भी उनके आगे उस आम शहरी के आगे बहुत ही छोटा तबसरा है। वो तो अपनी मुख्तसर स्टेटमेंट में पूरी बात करती हैं, आइए देखते और सुनते हैं एक आम शहरी की बातचीत। और ये प्यारा हिंदुस्तान एक वेबसाइट है, उनके कर्टसी उनके शुक्रिया के साथ हम आपके साथ शेयर करते हैं। बिल्कुल सही एक्शन है सरकार का, जय हिंद है मोदी जी को, इस बात के लिए मैं सैल्यूट करती हूँ सरकार को कि बिल्कुल सही निर्णय लिया है। मैम, नागरिकता संशोधन बिल पहले लोकसभा में पास हुआ और उसके बाद वो राज्यसभा में भी पास हुआ, पर काफी सारे ऐसे लोग हैं जो इसका विरोध कर रहे थे, उनके लिए क्या कहना चाहूंगी? देखिए, वो लोग किसकी आवाज उठा रहे हैं? मुसलमानों की। सारी जिंदगी मुसलमानों को धुरी बनाकर राजनीति करी, अब अगर हिंदू भाइयों को कुछ न्याय मिलता नजर आ रहा है, क्या हुआ अगर हमारे हिंदू भाइयों को नागरिकता दी जाएगी, क्या दिक्कत है उसमें? ये सब मुसलमानों पे फिर राजनीति कर रहे हैं। मुसलमान को कोई टेंशन नहीं है, मुसलमान तो अपनी दो रोटी कमाने के लिए सोच रहा है, मेरे को दो रोटी सुकून की मिले, मैं देश के कानून के साथ, देश की सरकार के साथ मुख्यधारा से जुड़कर चलूं। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, ये फिर मुसलमानों को टारगेट पे लेकर आ रहे हैं। हर बात में मुसलमान टारगेट रहना चाहिए, मिल कुछ ना जाए मुसलमान को, लेकिन टारगेट पे कौन रहे? मुसलमान। तो मुझे, मेरी हाथ जोड़ के आपके माध्यम से ऐसे जो इसके खिलाफ बात कर रहे हैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि ये संविधान का ढकोसला छोड़िए, मुसलमानों का ढकोसला छोड़िए, कुछ करना है तो अपनी जिंदा दिली अपनी मर्दानगी पे करिए, मुसलमानों का पीछा लेना छोड़ दीजिए। जब तक सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पास नहीं हुआ था तो उसे रोकने के लिए इस तरह के बयान आ रहे थे, और जब पास हो गया तो उसके बाद सोनिया गांधी कहती है कि ये इतिहास का जो इतिहास हम देख रहे हैं उसका सबसे काला दिन है, और जो जो बिल पास हुआ है वो जो कट्टरवादी जो है वो जीते हैं, कट्टरवादी लोग जीते हैं इस बिल को पास कराने की। जब मुसलमानों की बात हुई थी तो एक और कट्टरवादी जीत हुई थी, मुसलमानों की बात कर करके सारे लोग अपनी राजनीति भांजेंगे, एक ने कहकर एक ने ना नाम लेकर, करनी तो सबको राजनीति है ना मुसलमानों पर। तो मैं तो आपके माध्यम से यही हाथ जोड़ के निवेदन कर रही हूँ सबसे कि मुसलमानों को बख्शिए, मुसलमानों को जीने दीजिए, इस देश में उन्हें कोई डर नहीं है, समाज में सर ऊंचा करके देख रही हैं आप, मैं भी खड़ी हूँ, मैं लड़की होके मुसलमान खड़ी हूँ ना यहाँ पर, सारे भाई मेरा समर्थन कर रहे थे जब मैं किसी मुद्दे पर बोल रही थी, तो यहाँ पर कोई डर दहशत नहीं है। मुसलमानों की राजनीति करना छोड़ें और अपनी चीज़ें देखें, जैसे गरीबी है,
प्याज महंगी हो गई, इन सब पे राजनीति करो ना, मुसलमानों पे राजनीति करके क्या मिलेगा? बहुत लंबी राजनीति कर चुके हैं मुसलमानों पे, छोड़ दो आप बेचारे मुसलमानों को, जीने दो उन्हें आराम से। व्यूअर्स, ये एक आम मुस्लिम लेडी हैं भारत में जिनको राजनीति नहीं करनी, जिनको सेलिब्रिटी नहीं बनना, जिनको ह्यूमन राइट्स के नाम पर कोई कारोबार नहीं करना और जिनको कोई ढकोसले वाली जर्नलिज्म भी नहीं करनी, वो ये बात कर रही हैं। इनकी बात सुनने के बाद बड़े बड़े जो पॉलिटिशियन हैं, ये जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं और ये जो बड़े बड़े जर्नलिस्ट और राइटर्स खुद को कहते हैं जो मुसलमानों के नाम पर राजनीति कर रहे हैं भारत में, उन सब को सोचना चाहिए कि इस खातून ने तो कोई सेलिब्रिटी नहीं बनना, कोई राजनीति नहीं करनी। ये इतना सच क्यों बोल रही है, इसमें इतनी डेप्थ क्यों है? क्योंकि ये भारत की आम शहरी है, इनका कहना है कि मुसलमानों के नाम पे ये धंधा ना करें, हम भारतीय हैं, हमें इस समाज में सबसे ज़्यादा इज्जत है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये वो कहती हैं। मैं चाहूँगा कि इनका वीडियो शवाना आज़मी भी देखें, फरहान अख्तर भी देखें, अवैसी साहब भी देखें, सोनिया गांधी साहिबा भी देखें, सारे देखें और सोचें, ममता बनर्जी भी सोचें कि ये डेढ़ दो मिनट में जो खातून बात करती हैं, ये है असल रियलिटी। इनके वीडियो को अलजजीरा वालों को भी देखना चाहिए, बीबीसी वालों को भी देखना चाहिए, सीएनएन को भी देखना चाहिए और सारे ये जो नाम निहार ड्रामाबाज ह्यूमन राइट्स का नाम लेने वाले लोग हैं, और जब ह्यूमन राइट्स की असल बात की जा रही है सीए में, ह्यूमन राइट्स की वहाँ पर प्रोटेक्शन की बात हो रही है, तो ये सारे के सारे नाम निहार जो एक्सट्रीम लेफ्ट के और इस्लामिस्टों के साथ अपने रिश्ते नाते जोड़ने वाले जो बातें कर रहे हैं, इनको सोचना चाहिए कि असल बात इस मुस्लिम लेडी की है जिसका कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है। दिल से बोलती हैं, पूरी दानिशमंदी से बोलती हैं और ये दानिश कहीं और हमें दिखाई नहीं देती, ये दानिश भारत की मुस्लिम जनता की जो अक्सरियत है उसमें है। प्रोटेस्ट करने वाले जो हैं उनका हक है प्रोटेस्ट करते रहें, मगर इनकी बात ज़रूर सुन लें और उसके बाद फैसला करें कि असल सच कहाँ है। इसी असल सच के हकाइक को लेकर हम आपके साथ बिला तकल्लुम में आते रहेंगे। आज का तजिया देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया। ताहिर गोरा की तरफ से नमस्कार, अस्सलामु अलैकुम, खुदा हाफिज़।